दोस्तों कई बार क्या होती है कि कोई महिला कहती है कि साहब मुझे तो मेरा घर बसाना है। हम लोग कहते हैं कि साहब आप डीवी में जाइए, अपना राइट ले लीजिए, होम एंड प्रोटेक्शन में चले जाइए, घर में रहने का अधिकार मांग लीजिए, रेजिडेंस जो भी आपके अधिकार बनते हैं वो ले लीजिए, आप फालतू के केस मत करिए। महिलाएं वाकई वैसा भी करती है, कई महिलाएं वो फालतू की कोई केस नहीं करती, या तो सेक्शन 9 करती है या फिर डीवी केस में अपने जो भी रहने का अधिकार होती है वो सेक्शन लगा के अधिकार ले लेती है। कोर्ट उनको सेक्शन 9 की डिग्री भी दे देता है और साथ में जो रहने का अधिकार ऑर्डर होता है वो भी पास हो जाता है, वो रहने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद ससुराल में जाने के बाद उनके साथ जो होता है वो हकीकत चौंकाने वाला होता है आज की डेट पे देखा जाए तो। जी हाँ, प्रैक्टिकल जिन लड़कियों के साथ बीता है वो चीज़ जरूर कमेंट में बताएं। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये ससुराल में चली जाती पत्नियाँ, इनको राइट मिल जाता है क्योंकि ये डिफॉल्ट कहीं से है नहीं, गलती इनकी कोई है नहीं, ये जाना चाहती है, वहाँ रहना चाहती है, घर बसाना चाहती है। 498 टाइप का मेंटेनेंस कोई केस नहीं किया इन्होंने, सिर्फ इनका घर से लेके नहीं जा रही थी, उन्होंने मना कर दिया रखने के लिए, इन्होंने अपने घर में रहने का अधिकार मांगा, घर में पहुंच गई पूरी तरह से। उसके बाद भाई साहब क्या हो रहा है आज की डेट पे, प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है, सास ससुर वाले ससुराल वाले पति सब घर छोड़ के चले जाते हैं, पूरा घर छोड़ के ही चले जाते हैं, ये रियलिटी है। कई ऐसी मेरी सब्सक्राइबर है जिन्होंने वाकई कोई केस नहीं किया, वो ससुराल में जाके 5-6 महीने 1 साल तक प्रताड़ित होके खुद आके बोल कि साहब अब नहीं है, अब तो हमको सिंगल ही रहना है, चाहे मजदूरी करके खा लेना है, लेकिन अब नहीं जाना है, बहुत हद हो गई सर। मतलब भी जैसे अपोए 2-3 मंजिल का मकान है, ऊपर की 1 मंजिल दे दिया, बीच वाली दे दिया, कहीं भी दे दिया, पति पानी तक नहीं पीता और उनका खाना तक नहीं खाते आज से उस महिला के साथ, इतना भेदभाव होने लग जाता है। और क्योंकि 151 इनको प्रतिबंध कर दिया जाता है कि साहब इनको आपका एक पोर्शन दिया जाएगा और इनके साथ को आपको हरासमेंट नहीं किया जाएगा, कोई मतलब आपको रखने का नहीं है। तो भाई साहब वो बंदे अगर वो अच्छा करना भी चाहे, बात करना भी चाहे, तो पति भी इनके साथ नहीं रहेगा, माँ बाप के साथ पति रहेगा, पत्नी बेचारी एक ही कमरे में जो उसको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिला उसमें रह रह के इतनी परेशान हो जाएगी, खाने पीने के लिए जैसे कोई कहते ना कि छुआछात के टाइम उसको राशन पानी पटक देंगे, मतलब ईशान कंट्री वैसे, ठीक है, और कुछ नहीं मिलने वाला, उसे बातचीत भी नहीं करती, इतनी परेशानी, इतने हरासमेंट हो जाती है वो महिला कि आखिर खुद मेंटल टॉर्चर करने का तरीका देख रहे हैं आज के देश में। ये ट्रेंड चल रहा है कल, चलो ठीक है हमको रखना ही नहीं है, अब आप भी गई कोर्ट से, मान लो का गलती नहीं थी, कोर्ट ऑर्डर दे दिया आने का, तो चलो इसको मेंटल हरासमेंट करते हैं, इसका खाना पीना अलग, हमारा खाना पीना अलग। वो सास ससुर से बात से प्यार भी करे तो भी नहीं करते हैं, वो हस्बैंड से बात करे तो भी नहीं करते हैं, एक ही सुनने को मिलता, तूने हमारे माँ बाप को कोर्ट कचहरी घुमा दी, तूने मेरे माँ बाप को कोर्ट में बार बार बुलाना पड़ा, ये बोलना पड़ा, 100 बातें होती है भाई साहब। आखिरी महिला परेशान होकर देखती है कि यार मैंने गलत तो किया नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे राइट मांगी थी, मेरे अधिकार मांगी थी, उसके बाद भी आज मुझे ये पति लोग ससुराल वाले बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। तो देखो ऐसी सिचुएशन में महिला काफी प्रताड़ित हो जाती है, उसे बोलते हैं मेंटल हरासमेंट करना, है ना, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली उसको परेशान करे कि भाई ये चले जाए, कोर्ट से ऑर्डर मिल गया, आप कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मिल जाते हैं महिला को डीवी केस में, तो ज़्यादा बोलेंगे तो पुलिस वाले उठा के डाल भी देंगे, अब ये तो पुलिस वाले कह भी नहीं सकते कि बोले कोर्ट में जाइए क्योंकि कोर्ट से तो ऑर्डर मिल गया इनको, तो पुलिस अपनी ड्यूटी निभाएगी, तो ये पूरा जान लेते हैं। उसके बाद मेंटल हरासमेंट करती है और वो महिला परेशान होकर वहाँ से 1 महीना में 1 साल में वहाँ से घर छोड़ के आ जाती है। उसके बाद ये कहती है साहब मुझे तो जाना ही नहीं, आपने अच्छा गाइड किया, हमारा घर भी बसाने की कोशिश किए, लेकिन अब नहीं रहना साहब, इतना हरासमेंट करना, इतना छुआछात में, इतना खाना पीना नहीं खाना, जैसे हम कोई अदर कास्ट की है, अदर समाज के हैं हम लोग, इतना हमारे साथ मेंटल हरासमेंट होता है कि हमको इतना इग्नोर किया जाता है। तो यार हम भी देख के शॉक्ड होते हैं कि वाकई लोग आज की ट्रेंड में कैसा ट्रेंड चल रहा है, आज के डेट पे काफी मेंटल हरासमेंट होता है उस महिलाओं के साथ वाकई। अरे एक बात मैं कहीं बार वो कहता हूँ कि भाई एक पक्ष से अगर खराब निकल आई, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, तो चाहे कितने कोर्ट कचहरी का ऑर्डर पास हो जाए, कितना क्या हो जाए, आपका रिश्ता बचना मुश्किल हो जाता है, ये बात सत्य है। इस वजह से हस्बैंड वाइफ के में इतनी खटास आने मत दो, उससे ही पहले सॉर्ट आउट कर लो कि किसी को हर्ट ना हो और दोनों साथ रहो, यार आपकी वाइफ है वो गलती मान रही है, उसको माफ़ करने का चांस दो, आगे बढ़ने का चांस दो, उसकी रेस्पेक्ट करो, वो आ रही है, आप जैसा कहोगे वैसा करने को भी तैयार, वो अपना घर बसाना चाहती है, तो उसको मौका दो, चांस देना चाहिए, भगवान भी अपन को चांस देता है लाइफ में, तो आपको भी उनको चांस देना चाहिए। और उन्होंने वो किसी और प्रकार के कोई केस भी नहीं किए ना भाई, आप कहते हो कि साहब झूठे केस कर दिए सर, हम पे ऐसे कर रखी है, भाई कोर्ट जाने से आपने उसको रखा नहीं, कोर्ट से वो अपने राइट लेने गई थी, तो कोई चीज़ बात तो गलत है नहीं। इस वजह से आप लोगों को ऐसी महिलाओं का रखना चाहिए, चांस देना चाहिए, गलती हो गई तो उसको भी माफ़ करिए, आप हस्बैंड हो बड़ा दिल दिखाइए, इस वजह से आप ऐसा ना करिए कभी भी। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो महिला रहना चाहती है उसको रखिए, अपना परिवार बसाइए और आराम खुशी खुशी से सभी